Please subscribe our channel. This news is sponsored by Prayas ITI Mehra. युवा कांग्रेस ज्वाली ने बस किराए बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश निकाला। युवा अध्यक्ष मनमोहन सिंह की अगुवाई में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने उपरांत धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार आए दिन जनविरोधी फैसले जनता पर थोपने से गुरेज नहीं कर रही है। युवा नेता मनमोहन सिंह ने कहा है कि जब आज पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में केंद्र व प्रदेश सरकार को चाहिए था कि आम जनमानस को राहत दी जाए, परंतु भाजपा सरकार उसके विपरीत फैसले ले रही है, जिसमें आम जनमानस का जीना दुश्वार हो गया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने तहसीलदार कोटला केवल कृष्ण शर्मा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि वो खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें और प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें कि बसों के किराए की वृद्धि के निर्णय को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। किराया वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जयराम जी, जो आज हमने अभी हाल ही में आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो बसों के किराए में बढ़ोतरी की है, लगभग 25% जो किराया जो है उन्होंने बसों का बढ़ाया, हमने उसके पूरे हिमाचल प्रदेश में माननीय मुनीष ठाकुर जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने हरेक विधानसभा क्षेत्र में जो है माननीय अपने ब्लॉक लेवल पे राज्यपाल जी को मेमोरेंडम दिए हैं, उसी के तर्ज पर आज हमने अपने इस ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी कोटला बेल्ट में इसमें आज हमने ये प्रोग्राम रखा था और हम सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात का विरोध करते हैं कि ये जो अपने हिमाचल सरकार से मांग भी करते हैं कि ये जो अपने बसों के किराए बढ़ाए हैं आप इनको कम करें, ये जो आपने किराया बढ़ाया है ये सीधे सीधे गरीब जनता के ऊपर मार है। आज आप देखें बसों में सफर कौन करता है, एक गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आज बसों में सफर करता है, ये उसके ऊपर मार है। अगर आपने करना ही था तो आप जो हमारे पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगाते हैं आप उसको कम करते, जिससे कि हमारे जो बस ऑपरेटर उनको भी राहत मिलती है और जनता के ऊपर बोझ भी ना पड़ता। ये जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है, अभी मैं कल ही माननीय सीएम साहब की स्टेटमेंट पढ़ रहा था तो उनका एक जवाब था बसों के किराए बढ़ाने के लिए कि वो कह रहे थे कि ये जो हमने बसों का किराया बढ़ाया है इससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आम जनता के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो प्रदेश में है, केंद्र में है, लगभग हर एक आप देखें तो एक पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई, गरीब जनता के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। गरीब जनता के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से जो अभी हमारे कोरोना महामारी में जो आर्थिक मंदी आई थी तो हमारे जितने भी समाज सेवी संस्थाएं थी या हमारे समाज सेवी थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना धन जो है सीएम रिलीफ फंड में जा पीएम के फंड में जो दिया, लेकिन उस पैसे को आपने देखे पीछे जो पीपी किट का जो घोटाला हुआ था उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है। उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है लोगों के ऊपर और अतिरिक्त जो बोझ डाल रही है जो कभी भी जनता के हित में नहीं है। तो हम यही आज मांग करते हैं कि आप अपने जो जनता के विरोध में जो फैसला लिया आप इसको जो किराया बढ़ाया आप उसको कम करें, ये हमारी आज मांग है और इसी के संदर्भ में आज हमने मेमोरेंडम दिया है माननीय तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल जी।